हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लहसुन और लाल मिर्च की तीखी चटनी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए 12 से 15 तीखी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा, आधा कप ऑयल, आधा कप लहसुन की छिली हुई कलियाँ, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी इमली का पल्प, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर। चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर जार में डालेंगे लहसुन की कलियाँ, लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च, इमली, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल और अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। चटनी ग्राइंड हो गई है, अब हींग और जीरे का छौंक लगाकर इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, चटनी को छौंक लगाने के लिए तेल गरम किया है, अब इस तेल में डाल देंगे जीरा, हींग, इसे भूनकर इसमें डालेंगे प्याज पेस्ट जिसे हमने ग्राइंड किया है और इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। चटनी पक चुकी है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। चार मिनट हो चुके हैं, ये देखिए चटनी तैयार है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन और लाल मिर्च की तीखी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे मोमोज, पूरी, परांठा, पकोड़े या किसी भी तरह के स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। Thank you for watching.